नमस्कार दोस्तों, मैं शेफ राजेश फ्रॉम देसी शेफ लिटिल किचन से। दोस्तों, सरसों का साग बन रहा हो और उसके साथ में इसकी जोड़ीदार मक्की की रोटी ना हो तो फिर क्या ही बात है। ये तो कहते हैं ना, रिश्ता ही ऐसा हो गया कि सरसों का साग मक्की की रोटी वर्ल्ड वाइड मशहूर है। तो मैं इस सरसों के साथ में आज मैं मक्की की रोटी बनाने जा रहा हूँ, जिसका प्रोसेस मेथड मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पहली बात जो मेरी टिप है, मक्की का आटा सीधा आप चक्की से ही लेके आता हूँ मैं, आप भी लेके आइए, ताज़ा ताज़ा लेके आइए और ताज़ा ताज़ा बनाइए। मैं बहुत सारा नहीं लेके आता हूँ, थोड़ा थोड़ा ही लेके आता हूँ और बनाता जाता हूँ और खाता जाता हूँ। नहीं तो क्या होता है, ज़्यादा पुराना हो जाए तो ये कड़वा हो जाता है। तो ये मैंने ले लिया है आज मक्की का आटा, ये दो जनों के लिए। इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बनेगी 3 से 4 रोटी। और क्योंकि मक्की के आटे के अंदर में ग्लूटेन नहीं होता है तो ये थोड़ा सा बाइंड करने में थोड़ी सी दिक्कत देता है। तो कई लोग तो इसके अंदर में गेहूं का आटा मिलाते हैं, परंतु मैं इसको थोड़ा सा गर्म पानी लेता हूँ कोसा करके और उसके साथ में इसको गूंदता हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। हाँ, इसको जब हम गूंदेंगे तो इसको अच्छे से थोड़ा सा मलेंगे ताकि इसके अंदर में थोड़ा बहुत अगर ग्लूटेन है तो वो एक्टिव हो जाए। तो बस मैं शुरू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसे मेरी नानी, मेरी मामी जब वो बनाते थे तो मैं उनसे पूछता था कि आप ऐसा क्या करते हो कि आपकी रोटी चूल्हे में भी इतनी फूली फूली और इतनी नरम क्यों बनती है। कभी भी उनको भी समझ नहीं आया कि मैं पूछ क्या रहा हूँ और क्यों पूछ रहा हूँ। बोलते हम तो ऐसे ही बनाते हैं, परंतु ऐसे बनाते हो तो मेरी क्यों नहीं नरम बनती और आपकी क्यों नरम बनती है, मेरी रोटी क्यों नहीं फूलती, आपकी क्यों नहीं फूलती है। तो इवन मेरी मदर भी जब बनाती थी तो उनकी रोटी भी ऑलमोस्ट लकड़ी हो जाती थी। तो मैं उनको बोलता था, माता जी आपने भी अपनी माता जी से क्यों नहीं ठीक से सीखा। तो बस एक दिन मैं करते करते जो मेरे को जो चीज़ समझ में आई, पहले तो ये कि इसको जब गूंदना है तो अच्छे से मसल के गूंदना है, दूसरा थोड़ा सा कोसा पानी लेना है ताकि ये थोड़ा सा इसके अंदर में इसकी पानी की गर्मी की वजह से थोड़ा सा मॉइस्चर डेवलप हो जाए, और तीसरा अधिकतर लोगों को ये लगता है कि वो जितनी पतली रोटी बनाएंगे मक्की की उतनी ही मिसाल कायम करेंगे। परंतु मैंने फिर फाइनली नोटिस किया कि मक्की की रोटी ना तो बहुत पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत मोटी होनी चाहिए। तो बस उसके बाद में जब मैंने बनाई तो मेरे को एकदम स्ट्राइक हुआ, और जब बनने के बाद में मैंने खाई तो वो बहुत नरम बनी, एकदम मस्त, जैसा कि मैं अपनी मामी से पूछता था। नानी तो मेरी नहीं रही, तो बस मामी जी ये देखिए, जो आपसे पूछता था वो आप ना समझ पाने की वजह से मेरे को नहीं बता पाए, परंतु देखते समझते मैंने वो पॉइंट अब ना कि डिस्कवर किया बल्कि मैंने उसको अप्लाई भी कर लिया। तो बस ये देखिए, थोड़ा सा नरम आटा गूंदना है और अच्छे से मलना है। तो मैं मिलता हूँ आपको इससे अच्छे से मल के और इसके ग्लूटेन को एक्टिवेट करके। और दोस्तों, मैं ये सिर्फ मक्की का आटा ही लिया है, मैंने इसमें कोई भी गेहूं का आटा या कोई भी और आटा नहीं मिलाया है। तो बस ये देखिए, मिलता हूँ दोस्तों। जैसे आप देख रहे हो, ये मैंने आटा, इसको मैंने अच्छे से मसल मसल के, ये मैंने पाम से लेके इसको मसलना शुरू किया ताकि इसका ग्लूटेन अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। और बस उसके बाद में इसको गूंदते गूंदते इस लेवल पे लेके आ गया कि बस अब ये मेरी उंगलियों पे नाचे। पर साथ में ही ये मैंने पानी भी रखा है, क्योंकि अब जब मैं इसकी रोटी बनाऊँगा तो ये पानी का हाथ लगा के ही मैं इसकी रोटी बनाऊँगा। दोस्तों, पक्की बात है ये रोटी बेल के नहीं बनाई जाती है,
तो शुरुआत में जो बिगनर्स है आप सिल्वर फॉइल ले लीजिए या कोई पॉलीथीन साफ ले लीजिए, आप उसके ऊपर में नीचे हल्का सा पानी लगा के उसके ऊपर में भी आप रोटी की शेप देके उसको पानी वाले हाथ से ही आप उठाते हुए बना दीजिएगा। मैं दोनों ही तरीके से आपको दिखाऊंगा, पर तवा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं और एकदम हाई हीट पे नहीं रखना है, बस एक बार गर्म करके उसको मीडियम पे ले आना है। तो ये देखिए मेरा आटा कैसे पूछ रहा है कि कौन मेहमान घर पे आने वाला, उछल उछल के बाहर जा रहा है। ये देखिए जितना मसल रहा हूँ उतना ही मज़ेदार होगा और उतनी इसमें हवा भी इंजेक्ट हो जाएगी और उतनी ही ये रोटी बहुत ही नरम बनेगी अंदर से। तो लीजिए दोस्तों, मेरे इस आटे के मैंने मेरे चार पेड़े बने हैं। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी मैं और आटा लेता जाऊंगा, गूंथता जाऊंगा, बनाता चला जाऊंगा। ये भी मेरी एक टिप है, बहुत सारा आटा गूंथ के मत रखिए, बनाते जाइए, खिलाते जाइए। थोड़ा सा टीडियस लगता है पर कोई बात नहीं। अब हल्का सा पानी लेना हाथ पे और ये देखिए कैसे फर्स्ट क्लास जा रही है। और इसको बहुत पतला नहीं करना आपने दोस्तों, ये देखिए बस। और ये सीधी गई तवे पे, बस छोड़ देना इसको और एक साइड से इसको पकने देना। तो लीजिए दोस्तों, ये मेरी मकई की रोटी एक तरफ से देखिए एक तरफ से सिक गई है, बस इसको बड़े आराम से मैं ये पलट लूँगा। बस थोड़ा सा ही तैयार करना है, बाकी नेक्स्ट मैं इसको सीधा गैस के ऊपर में सीधा पकाने के लिए ले जाऊंगा। तो लीजिए दोस्तों, ये मेरी रोटी दोनों तरफ से ऑलमोस्ट हाफ डन हो गई है। अब मैं सीधा इसको हाई फ्लेम पे ले जाऊंगा और इसको दोनों तरफ से अच्छे से पका लूंगा। ये देखिए इसके अंदर मॉइस्चर होने की वजह से ये पकना शुरू हो जाएगी और अंदर से जो मॉइस्चर है इसको नरम रखेगा। ये देखिए, तो लीजिए दोस्तों, ये मेरी पहली रोटी तैयार। बस इसी तरह मैं बारी बारी बाकी रोटियां भी पका के उनको ऐसे ही सेक लूँगा। ये देखिए अगली रोटी की तैयारी शुरू, तवा गरम और ये बस आराम से देखिए अच्छे से गूंदा होने की वजह से इसमें कैसी लचक आ रखी है। और बस दोस्तों वही टिप, आपने इसको बस बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, समझ लीजिए जैसे पिज़्ज़ा बेस बना रहे हैं। और ये गई मेरी रोटी सीधा ये तवे पे, बस इसको इसी तवे पे ऐसे छोड़ दीजिए और एक तरफ से अच्छे से पकने दीजिए। पकने के बाद ही इसको पलटेगा, पहले नहीं तो टूट जाएगी। ये देखिए ये एक तरफ से तैयार हो गई है, अब इसको बड़े ध्यान से मैं पलट लूँगा और इसी को अच्छे से अब पकने दूँगा। तो लीजिए दोस्तों, ये मेरी रोटी हाफ डन हो गई है। अब मैं इसको गैस के ऊपर में डायरेक्ट एक बार अच्छे से सेक लूँगा ताकि ये अच्छे से सिक भी जाए और कच्ची ना रहे। थोड़ा उलटते पलटते रहिएगा, ऐसा ना हो कि ये ज़्यादा ही जल जाए। बस जलानी नहीं है, बस पकानी है। ये देखिए फर्स्ट क्लास हो रही है। लीजिए दोस्तों, मेरी ये रोटी भी तैयार, बस इस तरह मैं बारी बारी बाकी रोटियां भी तैयार कर लूँगा। तो लीजिए दोस्तों, ये मेरी मक्की की रोटी, सरसों का साग और साथ में मैंने बनाया है थोड़ा सा ये कचुम्बर सलाद। तो बस ये आज का मेरा खाना, सर्दियों की शुरुआत, फर्स्ट क्लास। तो आप भी बनाइए
और खूब मजे से खाइए। भरपूर सेहत का स्वाद है ये साग, मक्की की रोटी और देसी घी, सफ़ेद मक्खन या कोई भी मक्खन, जो भी मर्जी डालिए और मजे से खाइए। और दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे को सपोर्ट और मोटिवेशन आपका मिलता रहे और ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको साथ साथ मिलती जाए। और ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे फ्रॉम देसी शेफ लिटिल किचन। बाय।